क्या कहना चाहेंगे मैम आज
आज के एग्जीबिशन को लेके और मनमोहन जायसवाल द्वारा आयोजित किया गया है, तो वो कैसे आप इसे देखती हैं और आपकी खुद की पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, तो क्या मैसेज देती है आपकी पेंटिंग? मैं फर्स्ट टाइम मनमोहन जी के साथ में काम कर रही हूँ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के कुछ अच्छा इसमें से निकल के आए. या माय पेंटिंग्स आर अबाउट डीप मैसेजेस. यहाँ पर तो पीकॉक जो है वो फैशन के राजा कहलाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और इसके ऊपर चार एरा की फैशन है. इट्स अ रैम, सो मॉडल्स इसके ऊपर है. आज के एग्जीबिशन को लेके क्या कहना चाहेंगे सभी आर्टिस्ट को? ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और बस सबकी पेंटिंग बिक जाए, इससे बढ़िया मैसेज कुछ नहीं हो सकता है. पेंटिंग यहाँ पे लगाया है जी. एग्जीबिशन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफी कलरफुल है, और यहाँ पर काफी सारे दिग्गज आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगी हुई है. जैसे हम देख रहे हैं मेरी मॉम है अर्चना महतपुरकर, वो भी इस एग्जीबिशन में पार्ट ले रही है. सो यहाँ पर हमने जैसे कि एक्सप्लेन किया हुआ है, मॉम यहाँ पर काफी सारा आर्ट करती है एंड शी इज सेल्फ टॉट. तो दिस इज जैसे मौली के गणपति इन्होंने बनाए हैं, ये सारे आइडियाज उनके खुद में ही हैं. और यहाँ पर भी जैसे बीड्स आर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये पीपल के पत्तों को यूज करके उन्होंने बनाया है. सो ये पूरा क्रिएटिव आर्ट. और यहाँ पर जैसे कि नेल एंड थ्रेड आर्ट, ये भी काफी आजकल बहुत पॉपुलर है. सो इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बिकॉज एक एक कीले को सेम डिस्टेंस पर मतलब ठोक करके उसको पेंट करके ग्लिटर लगा के फिर थ्रेड के साथ ये आर्ट बना है. सो सिमिलरली ये जो एक लक्ष्मी जी का वाहन है जैसे आप लोग देख सकते हैं, सो उसके लिए भी काफी मेहनत है एंड एक एक जो डिस्टेंस है वो बहुत उसमें जी. सो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है. सो पहली बार आई थिंक मम्मी बाहर आई है विद हर आर्ट, सो आई कैन आस्क हर, वो भी कुछ अपने एक्सप्रेस करेंगे अपने विचार इस एग्जीबिशन के बारे में. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम इस तरह से लगाया है मैंने एग्जीबिशन. काफी अच्छा लग रहा है, सब अपनी कला सबको पता चल रही है, उसका खुशी है कि सब लोग देख पा रहे हैं. जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आयोजित किया है कलर सास स्क्रीन का. हाँ, उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि लगाना चाहिए एग्जीबिशन, आइए आप, तो उन्हीं की वजह से वो हुआ है मेरा. हेलो नमस्ते, मेरा नाम नीता वर्मा है. मैं करीब इस क्षेत्र में 10 से 12 साल से हूँ. मैं मिथिला मधुबनी पे काम करती हूँ, ये दो काम मेरे हैं. मैंने कोबर और डोली पे काम किया है. ये जो कोबर है हमारे मिथिला साइड में शादी के वक्त में दूल्हे और दुल्हन के घर में बनाया जाता है, और ये जो कवर मैंने बनाया है वो दूल्हे के साइड से बनाया है. वो एक कमरे में बनाया जाता है जहाँ पे लोगों का लोग पूजा पाठ करते हैं, और वहाँ पे ये कवर बनाते हैं तो दूल्हा दुल्हन आके आफ्टर विदाई वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और वहाँ पे वो गणेश की आके पूजा करते हैं, शिव पार्वती की, और काफ़ी ऑस्पिशियस एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया होगा. मैं यहाँ पे मनमोहन जायसवाल जी के कला आकृति फाउंडेशन में मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है. फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. सुषमा त्रिपाठी है, मैं एक राइटर हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ. ये दो मेरे आर्ट वर्क्स हैं जो मैंने यहाँ पे एग्जिबिट किए हैं. ये जो है ये देवी के ऊपर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो शोला पीठ दुर्गा, जो कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता से लिया गया है इसका इंस्पिरेशन. ये पूरी के जो तीन देव हैं जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा, जो तीन भाई बहन है, ये उनके ऊपर है. इसकी पूरी डिटेलिंग में मंदिर के अलग अलग एलिमेंट्स डाले गए हैं. ये तो हो गए मेरे आर्टवर्क की बात. मैं यहाँ पे मनमोहन जी के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूँगी. उनका जो प्रोत्साहन है आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके के आर्टवर्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, और उनका जो कॉन्सेप्ट है कि सारे लोगों को एक साथ लाने का और जेन्युइन लोगों से मिलाने का, वो बहुत अच्छा है. तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद. सर मेरा पूरा नाम है प्रियेश दत्त मालविया. मैं बेसिकली मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से, और मनमोहन जी से जो जुड़ा हुआ है
वो जब भी मुझे याद करते हैं, मैं बाकायदा भोपाल से आता हूँ या उनके साथ सम्मिलित होता हूँ, कि वो उनका जो स्नेह है और उनका कला के प्रति जो उसका समर्पण है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और इस बार जो मैं पेंटिंग लाया हूँ, चार पेंटिंग मैंने रखी है, ये चारों पेंटिंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि एक जो पेंटिंग है उसका शीर्षक है स्माइल प्लीज। पुराने जमाने में जब स्टूडियो में फोटो खिंचवाते थे, 5 से 6 मिनट तक स्माइल देना पड़ता था, उस स्माइल देने में जो स्थिति होती थी उसको स्थिति का मैंने वर्णन किया है। इसका शीर्षक है बस यात्रा। इस बस यात्रा में मैंने बताया जो एक महिला सीट होती है, पिछला जो टायर होता है उसके ऊपर महिला सीट होती है, जहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा लगते हैं, तो वाइब्रेशन के तहत महिला कैसे बस की यात्रा करती है, बस की स्थिति भी आप देख रहे हैं। इसमें ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया, ये तीर्थ यात्रा, ये अलग अलग धर्म की तीर्थ यात्रा है। और ये एक पेंटिंग है, ये है चार्ली चैपलिन, ये चार्ली चैपलिन उसकी फिल्में बनाई है, ये मैंने ब्लैक इंक से बनाई है पेंटिंग। और इसके अलावा मैं कला के ऊपर मैं लेखने का काम भी करता हूँ, मैं कोटेशन लिखता हूँ, मेरी एक पुस्तक भी निकली है 500 कला कोटेशन, तो वो जल्दी वो दर्शकों के हाथ में आएगी। धन्यवाद। इसमें मैं स्कल्पचर बनाया हूँ, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका शीर्षक है बढ़ते कदम, यानी जो आप गीली मिट्टी में जो पेड़ रखते हैं, तो उसका इंप्रेशन मैंने लकड़ी के ऊपर लिया है, उसका मैंने कार्विंग करी है। तो आखिरी का पेड़ मैंने आधा इसलिए बनाया है कि इससे ऐसा लगे कि पूरा पेड़ जो पूरा आनंद है, अब इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई प्रकृति की कोई गिनती है, वो आदमी जो प्रकृति करने लगता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर उसकी कोई गिनती नहीं होती, बढ़ता चला जाता है। इसलिए इसका छोटा सा विषय है बढ़ते कदम। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे मनमोहन जायसवाल द्वारा जो है कलर सर्फ फिर आयोजित किया गया है और एक बार फिर आपने पार्टिसिपेट किया है, इसमें से कैसे देखती है? मैं थैंक यू बोलूंगी मनमोहन सर, क्योंकि इस बार फिर से उन्होंने हम लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए मौका दिया एंड एक फिर से चांस दिया, हमारे लिए अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया, हम अपनी भावनाओं को अपनी कलाकृतियों को इस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा नाम पूनम सैनी है और बेसिकली मैं फैशन डिजाइनर हूँ। रिसेंटली 2 साल से मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया है एंड ये सारी मेरी पेंटिंग्स नेचर के लिए हैं। नेचर लाइक आप वास्तु से रिलेटेड, आप अपने घर में जब अपना ब्लॉसम एब्स्ट्रैक्ट ये सब लगाते हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है एंड नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। थैंक यू। योगिता कोलगे है, मुंबई से हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाए हैं एक्रेलिक में बनाई है कैनवास पे, और श्री कृष्ण जी और राधा रानी के पेंटिंग्स मैंने बनाए हैं, और श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं और उसमें मग्न और राधा रानी और मैंने चित्रित किया है, और पूरा निसर्ग उनके साथ में है, ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे खिले हुए कमल दिखाए है और बादलों के बीच में चंद्रमा दिखाया है, तो उनके जीवन में जैसे रंग है वैसे रंग मैं अपने कैनवास पे उतारना चाहती हूँ, और इसके लिए मैंने पूरे रंगों में कैनवास में चित्रित किया है, और यहाँ पे भी मैंने बांसुरी में मग्न श्री कृष्ण दिखाए हैं, और पूरे कलर्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, जैसे कि उनके जीवन में जैसे आनंद है, उल्लास है, प्रसन्नता है, मैं वो आनंद अपने कैनवास पे दिखाना चाहती हूँ। और ये मेरा 3rd एग्जीबिशन है मनमोहन जी के साथ, वो बहुत न्यू आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, लास्ट एग्जीबिशन में मेरे पूरे पेंटिंग्स उनके यहाँ पे सेल हो गए हैं, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, और वो अच्छी तरह से कलाकारों को डिस्प्ले करते हैं, सो थैंकफुल टू हिम। राजस्थान में सबसे फेमस जगह है पूरे वर्ल्ड में, ये वहाँ से बिलोंग करता हूँ, कौन पेंटिंग चार पेंटिंग लेके आया, ये ऑलम कैनवास, ये सब टाइगर के मैपेट के ऊपर ही बैठ सकते हैं, मेरा फर्स्ट वाला जो पेंटिंग है, ये जो कपल होता है लवली कपल वो है, क्योंकि इंसानों में भी और जानवरों में भी इतना ही प्यार होता है, ये मेरा सेकेंड वाला पेंटिंग है लेपर्ड है, तो ब्लैक एंड व्हाइट मैंने पेंट किया है, सुंदर है अभी, और ये मेरा क्लोजअप फेस है, किंग मतलब जो राजा होता है तो उस टाइप का ही क्लोजअप मेरा, ये भी ऑयलर कैनवास है, और मेरा ये दूसरा वाला पेंटिंग है, ये 2 ब्रदर्स है, इनमें भी अपने जैसे इंसानों में भाई होते हैं तो अपने ये भी अपने दोनों भाई,
मनमोहन जी द्वारा आयोजित किया गया है इवेंट, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से सर मेरा प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मेरा अभी फर्स्ट मेरा पहला एग्जीबिशन है ये, इससे पहले मैंने कभी एग्जीबिशन नहीं किया, तो मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है, मनमोहन जी ने ही मेरे को प्रमोट किया। Hi, my name is Mansi Doghal and I'm very lucky that I'm participating here in this event. और यहाँ पे मैंने अपनी आर्ट का एग्जीबिशन किया है। This is my painting. It's called Nature vs Civilization. तो मेरी जो भी थीम रहती है वो नेचर के ऊपर रहती है। I love animals, nature, greenery. तो एक तरफ ये पूरा नेचर है लेकिन एक तरफ ये बैरन जमीन है और आप देख सकते हैं कि the trees have a soul which is bleeding. तो बेसिकली हमने इतना सिविलाइजेशन कर लिया है, roads, buildings and everything is गोल्डन पूरी चमक है, बट अंदर ही अंदर जो नेचर की आत्मा है वो रो रही है। तो स्काई ग्रास और डेजर्ट में, मतलब हमारे जो मोर है वो भी बेचारे डेजर्ट में घूम रहे हैं, मोर को घूमने की हरियाली नहीं मिल रही है और हरियाली सिर्फ एक ड्रीम बन के रह चुकी है। तो इस थीम के ऊपर मेरे सारे पेंटिंग्स और मेरा आर्टवर्क होता है। और ये दूसरा आर्टवर्क, इट्स अबाउट अ हॉर्स, इट्स अबाउट अ विल पावर, इट्स अबाउट कोई भी कॉन्फिडेंस ला के कोई भी काम करने के लिए। एंड मेरा एक और आर्टवर्क है उधर राधे कृष्णा का, so I posted a spiritual artwork and I do artwork on nature. तो मनमोहन जी का आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, हमका अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहता है हर साल की तरह। लास्ट ईयर ऑल्सो आई पार्टिसिपेटेड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर साल उनके इवेंट में पार्टिसिपेट करूँ। और वो आर्टिस्ट को, पेंटर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमको एक सही प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपनी आर्ट सेल कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी मनमोहन जी को, एंड थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स फॉर द लवली इवेंट फॉर अवर आर्ट एग्जीबिशन। एंड हर साल की तरह इस साल भी आई होप इट्स अ गुड ईयर। मैं अहमदाबाद से बेसिकली हूँ, एज ए आर्टिस्ट हूँ, और ये मैंने पेंटिंग जो किया है ओम की थीम ऊपर, शिव और पार्वती के रिलेटेड ब्लैक एंड व्हाइट मेरा थीम है। तो उसमें उनको मनमोहन जी ने बहुत सपोर्ट दिया है, बोले आप एक बार आओ मेरा मुंबई में, एक बार आप शो करो तो आपको पता चलेगा कौन सा कैसे है। और ये जो पूरा ग्रुप है बहुत अच्छा है और सबका काम बहुत बढ़िया है, बहुत मुझे बहुत पसंद आया सर। गुप्ता कुमार एंड आई एम हियर फॉर दिस एग्जीबिशन पर्टिकुलरली ऑल द वे फ्रॉम ओमान। सो हम भारतीय हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और मैं बहुत ही आज अपने को प्रिविलेज और खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि मुझे सिमरोजा गैलरी जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस गैलरी है ब्रिज गैलरी पे, उसमें अपनी दो एग्जीबिशन के जरिए पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। सो एज यू कैन सी आई एम अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, इट्स हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी, आई हैव एग्जीबिटेड ऑल ओवर वर्ल्ड। मैंने रशिया में, ओमान में, इंडिया में, ललित कला अकादमी में, अभी मेरी लास्ट दिसंबर में सोलो एग्जीबिशन थी, दुनिया भर में किया है और सैकड़ों मेरी जॉइंट एग्जीबिशन हुई है। और मैं पोएट भी हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ, तो मेरी कई बुक छप चुकी हैं और एक बुक आने वाली है होम क्वारंटाइन, जिसमें मेरी हर पेज पे कविता भी है और होम क्वारंटाइन जब मैं खुद थी उसकी चित्रकारी है, 80 पन्नों की और 40 पोएम है उसमें, वो भी आने वाली है। यहाँ मैंने दो पेंटिंग्स देखिए दर्शाई हैं जो कि मैंने सोल की जर्नी को डिपिक्ट किया है एज ए एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, इट्स अ मिक्स मीडिया आर्ट, आई हैव यूज्ड सैंड एंड जेसो, एंड जो बैकग्राउंड देख रहे हैं वो पूरा मैंने हाथ से बनाया है। सो यस, अभी इतने टाइम हो गया है एंड आई एम एसोसिएटेड विद टीचिंग आल्सो, आई टीच इन वहाँ पर एक बहुत फेमस आर्ट सेंटर है मेन कंपनी का, उसमें मैं 15-20 साल से सिखा रही हूँ, एक्रेलिक टेक्निक सिखाती हूँ। तो बस अपने को ये नया मेरा ही इनोवेशन है, दिस काइंड ऑफ डिजाइन जो मैंने जिस तरह से आर्ट बनाई है हाथ से बैकग्राउंड और जेसो और सैंड लगाया है। और इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट रूप में सोल की जर्नी दिखाई है कि सोल की जर्नी का नाम है वर्लपूल 1 और 2। सो हमारे जो सोल है वो बहुत ही भंवर के बीच में घूम रही है, भंवर किसके, हमारी इमोशंस के भंवर, कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमें पता है हमें सच बोलना है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम उस भंवर से उभर नहीं पा रहे। तो आप जो देख रहे हैं सोल की जर्नी, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर्स ऑफ स्प्रिंग हमारा एग्जीबिशन का थीम है उसके ऊपर है। तो ये आप दोनों में देखते हैं कि सोल की जर्नी है, इसमें देखिए सारे जो भंवर मैंने हाथ से बनाए उसके बीच में हम घूम रहे हैं। अब
अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में होते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है सच बोलना है लेकिन हम झूठ बोलते हैं, तो हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं। इमोशंस के भवन हैं, सच पाप बोलने के भवन हैं, उससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। अगर उबर जाए तो हमें हमारी सोल को तो मोक्ष मिल जाएगा, तो वो मैंने कंटेम्प्रेरी आर्ट के थ्रू दिखाया है। थैंक यू सो मच। और मैं जसवाल जी की आभारी हूँ, वो मिस्टर प्रकाश हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट यहाँ के, उन्होंने प्रकाश पाल जोशी, वो हमारे ओमान में आए थे, उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया जसवाल भाई से, और कई बार उन्होंने एग्जीबिशन की इनवाइट किया, बट मैं चाहती थी मैं खुद आऊँ तब एग्जीबिट करूँ। सो आई एम ग्लैड दैट आई कुड मेक इट दिस टाइम। दिस इज माय सिस्टर एंड शी इज अमेजिंग एंड आई एम सेइंग विद हर, शी स्टेज इन बेलारो, तो वैसे करियल बंगला घर के सामने ही है, यहाँ गैलरी के सामने ही है, तो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर एंड टू बी अ गेस्ट ऑफ हर। शी इज आर्ट फ्रेंड, आर्ट लवर, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट सो मेनी डेज विद सच आर्ट lovers and people who love my art, so and lovely people around and very good artists, all our artists are so good and very friendly atmosphere, so thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहते हैं आज का एग्जीबिशन एक बार फिर जो है मनमोहन जी ने आयोजित किया है कलर्स ऑफ स्क्रीन करके, तो कैसे देखते हैं इसे और किस तरीके से ये कलाकारों को प्रोत्साहित करता है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं मनमोहन जायसवाल जी के साथ में पहले से भी जुड़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी उनकी मैंने एग्जीबिशन की है, और अभी कलर्स ऑफ स्प्रिंग 2020 एग्जीबिशन समरोजा आर्ट गैलरी ब्रिज कैंडी मुंबई में यहाँ पर आयोजन रखा गया इसका, और ये एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें देश विदेश से और भारत से काफ़ी आर्टिस्टों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ। मैंने भी यहाँ पे ऐसे चित्रकार और मूर्तिकार और कलाकार मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ, और ये मेरा काम है, ये मैं एक सीरीज कर रहा हूँ थ्रू मास्क, जैसे चेहरे के ऊपर एक चेहरा होता है, जैसे किसी से मिलते हैं बातचीत करते हैं तो देखते हैं कि हम फर्स्ट टाइम में नॉन नहीं हो पाते हैं, फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुलाकात बढ़ती रहती है तो वो एक जो पीछे का चेहरा है वो हट जाता है, नकाब हट जाता है, तो जैसे थ्रू मास्क होता है चेहरे के नज़रिए से हम दूसरे को देखते हैं। ऐसे मेरे कपड़े की सीरीज पर काम चल रहा है पीछे दो काम मेरे, तो क्या है कपड़ा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कपड़े का हमारी लाइफ के अंदर, और कपड़े नहीं हो तो क्या हो, अमूमन सब लोग सब नंगे दिखाई देंगे, तो कपड़े में भी बहुत सारी वैरायटी है, तो जैसे जैसे कपड़े की शुरुआत हुई अभी क्या ना जितना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर ना बढ़ रहा है और कपड़ों में भी उतनी ही मतलब डेफिनेशन उसकी चेंज हो गई है, बहुत सारे फैशन उसमें आता जा रहा है, फटा है तो बेहतर है अभी ऐसा हो गया है, और जितना ज़्यादा कपड़ा फटा हुआ है तो उतना ज़्यादा महंगा भी होगा, वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ब्रांड सब कपड़ों को क्या अलग अलग तरीके से डिजाइन कर रही है, तो मेरा भी कुछ ऐसे कपड़ों के ऊपर पैटर्न चल रहा है, और कपड़े के अंदर सब लोग लिपटे हुए हैं, एक छोटा सा कपास से निकला हुआ रुई, रुई से बनने वाला धागा, और धागे से बनने वाले अलग अलग तरीके के थान, और थान से बनने वाला डिफरेंट टाइप का कपड़ा, और कपड़ों से होने वाली कटिंग जो आपका शर्ट पैंट टी शर्ट अलग अलग तरीके के कपड़े बनते हैं, तो शुरुआत एक छोटे से कपास से होती है और चली जाती है। मनमोहन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मनमोहन जायसवाल जी बहुत अच्छे एक क्यूरेटर एज ए ऑर्गेनाइजर, आकृति आर्ट फाउंडेशन एज ए डायरेक्टर, और काफ़ी टाइम से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और वो काफ़ी सालों से वो इस तरह का आयोजन रख रहे हैं पेंटिंग एग्जीबिशन, और उसमें बहुत सारे देश विदेश से कलाकार आते हैं भारत के मुंबई के और पार्टिसिपेट करते हैं अपनी कला को लेकर, तो लोग वो आते हैं उसमें देखते हैं, बायर्स होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, तो सब लोगों के काम को सराहा जाता है, उसमें सोल्ड भी होते हैं। लास्ट टाइम मेरा कुछ काम 6 वर्क मेरे सोल्ड हुए आकृति आर्ट फाउंडेशन हनुमान जायसवाल जी की तरफ से, तो अच्छा लगता है कि काम सेट होता है, और हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मैंने आयोजन तैयार होते हैं मीटिंग होते हैं, तो मेरा नाम अखिलेश केजी गौड़ा, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर भी हूँ, मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, और रिसेंटली मेरा एक मूवी खुदाई अभी ऑल इंडिया रिलीज हुआ सिनेमा हॉल में, और मुंबई में या गैडी गैलेक्सी में रिलीज था, और भी सिनेमा हॉल में रिलीज था, जिसमें मैंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, तो अभी मेरा 8 मूवी ऑफिशियली रिलीज है OTT चैनल थिएटर और आपका PTC पंजाबी चैनल पर, तो फर्स्ट ड्रीम गर्ल में अभी था, मेरा छोटा सा करेक्टर था, और डरपोक एक मेरा एज ए लीड रोल Amazon UK पर चल रहा है, और अभी वो रिलायंस एंटरटेनमेंट के चैनल YouTube पर भी आप देख सकते हैं डरपोक मूवी, जिसमें मैं लीड एक्टर हूँ, और काफ़ी फिल्में हैं जिसमें मैं मुख्यतः मैं खलनायक की भूमिका में नजर आता हूँ, थैंक यू, मेरा दुख ऐसा है, और देखिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।
और मेरी पेंटिंग है वो एक्रेलिक कैनवास में है और मेरी पेंटिंग का नाम है द गॉड ऑफ थ्री पिलोर्स और ये पेंटिंग है क्वीन ऑफ द डिजायर। और हमारे मनमोहन सर ने बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन किया है, ये मेरा मुंबई में पहली बार है, मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कितने साल से? आई थिंक 15 साल। तो मनमोहन जी के इस इवेंट को लेके क्या सोच रही है, किस तरीके से आपको ये? मुझे तो सर ये सब कुछ नया ही लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, इसका एग्जीबिशन बहुत अच्छा है। तो मुंबई में पहली बार है? किसको पहली बार? नहीं नहीं मेरा पहली बार है मुंबई में। मैं थाने में रहता हूँ, मैंने 1986 में मैंने आर्ट मास्टर किया है सर जीजस स्कूल ऑफ आर्ट से और मैं उसमें पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट बताई चुका हूँ। और ये मौका मुझे जो मिला है एग्जीबिशन का, ये पेंटिंग का, तो हमारे मनमोहन जायसवाल जी जो है तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मैं बहुत ही उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी तरफ से उनके कारण मुझे ये चांस मिला है यहाँ पर पेंटिंग डिस्प्ले करने का। और मेरी जो पेंटिंग है ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल से मैंने बनाई है और मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है और प्लस मैं पॉन्टिलिज्म मेथड से भी बनाता हूँ, जैसे कि मेरी ये बीच वाली पेंटिंग है ये पॉन्टिलिज्म मेथड से मैंने बनाई है और बाकी जो है वो वाली और यहाँ पर जो है हाँ तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड से बनाई है। आपकी पेंटिंग जो है वो क्या मैसेज दे रही है? मेरी पेंटिंग जो है मतलब एक बहुत ही नए स्टाइल से, क्योंकि सभी लोग रियलिस्टिक बनाते हैं और क्रिएटिविटीज में कुछ भी नहीं होती, रियलिस्टिक जो है जैसे कैमरा भी कैच कर लेता है फोटो वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा हटकर उसको मतलब एब्स्ट्रैक्ट में बनाने की कोशिश की है। अगर इस प्रकार से भी अभी लोग काम करेंगे तो अच्छा है, जैसे हमारे हुसैन साहब जो है उन्होंने भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही बनाई है, तो मेरा ये जो है मैंने फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट बनाई है और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने बहुत कूल कलर्स का उपयोग किया है, प्रयोग किया है मेरी पेंटिंग में। थैंक यू। मेरा नाम सैयद जुबेर है, मैं बॉम्बे से हूँ और ये मेरे पीछे जो है ये मेरा आर्ट्स है और मैंने काफ़ी बार मुझे गोल्ड मेडल भी मिला, इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह मिले। तो अभी मैं मिस्टर मनमोहन जायसवाल के साथ में पार्टिसिपेट मोस्टली करता हूँ और ये अभी प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट है, चालू है, तो उसमें आए हैं और ये पार्टिसिपेट किए हमने और थैंक यू वेरी मच। Hi, I'm Renu Iyer. I'm a visual artist. I've been painting for the last 20 years. I did my master's in fine arts from MS University, Baroda. Well, I've been painting is, I'm a full-time painter now since the last, I think, 10 odd years. Uske pehle I was also working in media. This is a series, ongoing series called Garden Girl that I've been working on since almost 8 years now, where I'm trying to show the feminine form, the woman form, the female form as a divine embodiment of nature, everything that is divine in nature. So she is the essence, she is the bearer of that natural divinity. That's why in my paintings you'll find all natural elements, you'll find the flowers, you'll find butterflies, you'll find birds, you know, so all these elements of nature is something that is also there in the woman, in her own spirit. So that is what I'm trying to show through my paintings, a very soft side where the woman is in harmony with nature, she's in balance with nature. So that's a theme that I've been working on through this series. I've been associated with Mr. Manmohan Jaiswal now since last 6 months. This is my second show with him and I like the way he organizes the show. Every artist gets
their media bite, and it's a good exposure, it's a good platform that he's providing for artists at different levels. So I'm extremely grateful for him for giving me this platform to show my work and also share my expression, my artistic expression with a larger audience. Thank you. And I have done my training from Ellis Rajah School of Art, and my paintings are more women centric because I love drawing women figures and expressions, and I thought of painting Egyptian because I'm fascinated with I get fascinated with Egyptian culture, and that's what I wanted to put in my paintings, or epic of that Egyptian era, and more of the woman with more rebellious and shurveer kind of woman that I wanted to draw that way. And exhibition is excellent. I am so happy to participate in this exhibition, and I'm thankful to Manmohan ji for this opportunity. Thank you so much. मेरा नाम पूनम जुवाले है, मैं महाराष्ट्रीयन हूँ और मैं दादर में रहती हूँ, और मैं 2013 साल से मैं सोलो एग्जीबिशंस करती है। मैं मेला नेहरू सेंटर में 4-5 बार हुआ है, बोरीवली में हुआ, बहुत साल मैं पेंटिंग्स कर रही हूँ सोलो में, कभी कभी पार्टिसिपेट भी करती हूँ, ये ग्रुप में पार्टिसिपेट मैंने किया है, और ये मैंने ऑयल पेंटिंग में किया है, स्विट्जरलैंड की ट्रेन है, रेड ट्रेन है, और ये वाटर कलर में स्ट्रीम किया है। ऐसा मेरा ये चल रहा है, और मैं चारकोल में भी करती हूँ, मैं पोर्ट्रेट करती हूँ सेलिब्रिटीज का, ऐसा सब है, और वाटर कलर में भी पोर्ट्रेट करती हूँ, तो कोई सेलिब्रिटीज होगा तो उनका मैं पेंटिंग करती हूँ। एग्जीबिशन को लेके क्या कहना चाहेंगे मनमोहन जी ने हम लोगों को ये दिया है करने को इधर, तो बहुत अच्छा लगता है कि सब ग्रुप में बहुत हम लोगों को फायदा होगा कि सब लोग आके इधर देखेंगे, तो सब लोगों के सामने हमारा एडवर्टाइज हो जाएगा पेंटिंग का। मेरा नाम वर्षा चुंडावत है और मैं बेसिकली एक्लरिक पे और जो रियलिस्टिक वर्क होता है उस पर ज़्यादा काम करती हूँ, और जो मैं लाइक जो मेरे ऑब्सेशंस होते हैं ना वो पेंटिंग्स में मैं निकालती हूँ, जैसे कि राधा कृष्ण का है वो मेरे ऑब्सेशन है, फिर ये पोर्ट्रेट है वो नहीं सॉरी लैंडस्केप है वो भी मेरे ऑब्सेशंस है, सो उसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के एग्जीबिशन को लेकर मनमोहन जी के लिए? ही इज वेरी गुड पर्सन, उन्होंने ऐसे हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर, और उनकी अपॉर्चुनिटी देने के चलते मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से मिली हूँ। थैंक यू। मुंबई से, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय मनमोहन जायसवाल जी द्वारा आयोजित यह कला प्रदर्शनी, जिसमें एक से एक अद्भुत कलाकृतियां, पेंटिंग्स और इतने विभिन्न तरीकों से यहां पर प्रदर्शित की जा रही हैं, इतने सिद्धहस्त चित्रकार, फनकार, कलाकार, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। खास तौर पर मैं मनमोहन जायसवाल साहब का इसलिए भी धन्यवाद
धन्यवाद उनको देना चाहूँगा कि इस साहित्यिक धरोहर के वो संरक्षक हैं। इस शहर में इस तरह का शौक बहुत कम लोग रखते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 4-6-10 गाड़ियाँ रख लेना बड़ा आसान है, लेकिन किसी अच्छे सिद्धहस्त पेंटर की, कलाकार की, शिल्पकार की, फनकार की, उसकी कृति, उसकी पेंटिंग संभाल के जीवन भर रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा मौका है। मुझे यहाँ इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता हुई है कि भीड़ भाड़ से अलग यहाँ जितने भी महान भाव मेरी बहनें बेटियाँ जो पधारी हैं, ये कला से स्नेह रखने वाली हैं, कला के साथ जुड़ने वाली हैं, और मुझे विश्वास है कि इस तरह की प्रदर्शनी जो जायसवाल साहब के संरक्षण में यहाँ लगी हुई है, ऐसी प्रदर्शनियों से विश्वास मानिए कि समाज में आत्मीयता, स्नेह, यकजहती, प्रेम बिल्कुल बढ़ता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं यहाँ आकर धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ, आप सबका आभारी हूँ, शायर हूँ, दिन रात शायरी करता रहता हूँ। मैं सिर्फ एक शेर से यहाँ के माहौल की बात कह के जा रहा हूँ कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है, और यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। बहुत बड़े फनकार आप लोग हैं, और ये मेरे फोटोग्राफर्स, टेक्नीशियंस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फिर कभी मिलेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं शिवांशी मालानी, नारी शक्ति फाउंडर लीना प्रवीण चोपड़ा। आज मुझे ये सुहाना अवसर आर्टिस्ट के साथ मिलना और उनकी आर्ट देखने का अवसर मुझे जसपाल जी, मनमोहन जी, जसपाल जी से मिला है, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यमान समझती हूँ कि इन सब बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आज मुझे इंटरव्यू देने का अवसर भी मिल रहा है। और शहनाज जी हमारे बीजेपी से अध्यक्ष है, इनके साथ भी, और मैं भी भाजपा जैन प्रकोष्ठ की एक्स वाइस चेयरमैन रह चुकी हूँ। आज और यहाँ का आज जो ये कलाकृति का माहौल है, ये हमको बहुत ही मनमोहक, मन को भा रहा है, और हमारे मनमोहक की उजाले से हम उभर के बाहर आ रहे हैं कि अपने को एक पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होती है। आर्टिस्ट को देखते तो पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप अपने में जागृत हो जाती है, और इसके लिए मैं आज के सभी आर्टिस्ट को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपना और अपने देश को उजागर करिए। इसी शुभकामना के साथ मैं लीना चोपड़ा, जय जिनेन्द्र, ओम हरि। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इस कलाकृति का आयोजन किया हुआ है, कैसे आप इसे देखते हैं? क्योंकि हर साल आप करते हैं और इस बार भी आपने कलर स्प्रिंग का आयोजन किया है। ये मेरा 20वां ग्रुप एग्जीबिशन है कलर ऑफ स्प्रिंग बोल के, और इसमें देश भर से, देश के बाहर से भी काफी आर्टिस्ट आए हैं और सबने अच्छा काम किया है, देख ही रहे हैं, तो आगे भी हम करते रहेंगे, और हमारा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग का भी प्लानिंग है, तो वो भी हम करते हैं। तो मेरा 13 साल हो गए मुझे आर्ट में। इस बार कितने आर्टिस्ट जो है पार्टिसिपेट किए? इस बार 28 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इंडिया से, इसमें कुछ मास्टर वर्क भी हैं, कुछ अपकमिंग भी हैं, और हमारा एक फैमिली जैसा है, 5-7 आर्टिस्ट मेरे हर शो में होते हैं। कलाकारों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से आपके एग्जीबिशन में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं? लोग अपने कला में ही थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, हम उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमी कैंपस में तो वही पढ़ाई सबको पढ़ाई जाती है, फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे अपना एक वे ऑफ डिपिक्शन, एक अपना काम करने का अंदाज, एक स्टाइल डेवलप करना होता है, तो वो करना चाहिए और जेन्युइन बायर ग्रुप से कनेक्टेड रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे आज के एग्जीबिशन को? जसपाल सर ने जो इतना अच्छा मुझे लग रहा है, आज मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, और ये इतना अच्छा माहौल बना है और हमारे देश के लोगों को आगे लेके जाने का बहुत अच्छा आर्ट है, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कैसा
मैसेल सैयद जुबैर, मैं मुंबई से ही और सर के साथ मैं काफ़ी साल से हूँ और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं, इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और काफ़ी लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं जिसमें नए भी है और पुराने भी है और काफ़ी जेन्युइन आर्टिस्ट भी है और फॉरन से आए हुए भी आर्टिस्ट है यहाँ पे। तो इस बार भी बहुत अच्छा, मतलब इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और शायद आगे उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिलहाल हम ये लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, ये लोग भी आए और ये ज्वाइन किए हमारे साथ और आगे भी इसके साथ और ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे अपनी तरीके से, जिस तरीके से कर सकते हैं हम बेस्ट प्रेजेंटेशन से अपना रखेंगे। थैंक यू। और मैं जसवाल भाई के बारे में एक बार बोलना चाहूँगी कि मैं अपनी शहनाज नर्सरी जसवाल भाई के साथ जुड़ी है और जब भी उनका कोई प्रोग्राम होगा शहनाज नर्सरी की तरफ से वो प्लांट उनको दिए जाएंगे और उनका स्वागत होगा। ये बड़ा पर्यावरण की दृष्टि से चाहे हर दृष्टि से वो अच्छा चीज है क्योंकि बुके हमारे उपयोग में नहीं आता, मगर हम किसी को तुलसी का पौधा या मनी प्लांट देते हैं तो हमेशा रहता है, याद रहता है कि हमको ये वहाँ से मिला था और वो ग्रो होता है, तो यूज होता है, वो हर एक आयुर्वेदिक चीजों से भी हमसे जुड़ा है। लोगों का विश्वास है कि मनी प्लांट ग्रो होता है, वास्तु से भी जुड़ा। अच्छा, अभी मैं जसपाल जी का धन्यवाद।